आज हमारे साथ है रितेश कुमार, रौनित बारबोजा. थैंक्स फॉर हैविंग अस. सो रितेश एंड रौनित, दे वर्क इन कॉर्पोरेट कल्चर, यू कैन से, ठीक है, एंड दे आर आल्सो ब्राजीलियन जुजुत्सु एथलीट्स, एडीसीसी चैंपियन. रौनित एडीसीसी में किसने भी खेला था, पार्टिसिपेट किया था. And these guys are phenomenal, phenomenal BJJ athletes. Thank you. So, आप दोनों जॉब भी करते हो, एथलीट भी हो, ट्रेनिंग भी करते हो एंड कम्पीट भी कर रहे हो, वो भी इतने अच्छे लेवल पे, लाइक इंटरनेशनल यू हैव कम्पीटेड. सो मैनेज करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो बहुत होता होगा, विल डिस्कस ऑन दैट. तो फर्स्ट आप लोगों के जॉब्स के बारे में बात करते हो, क्या क्या करते हो रौनित और सुशांत. सो आई वर्क इन टेक मेनली. मेरा जॉब जो है इन नटशेल टेक इंटीग्रेशन है फॉर कंपनीज दैट आर मेनली इनटू इंश्योरेंस. तो मैंने इसके पहले आई वर्क विद अ कंपनी जहाँ पे आई वाज वर्किंग फॉर अ क्लाइंट जो स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस से डील करता था. तो कोई भी कंपनी ले लो, एग्जांपल एक टाटा AIA फॉर एग्जांपल, मैं एक्चुअली टाटा AIA के लिए कर रहा था. टाटा AIA ने कुछ अगर इंश्योरेंस बनाया है प्रोडक्ट, उसका जो बैकएंड का पूरा पीस है इंटीग्रेशन का, जो प्लेटफॉर्म बनाना है, इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स, तो उस सारी चीज़ों का ओवरव्यू मैं देखता हूँ. एंड यू नो हाउ डू वी डेवलप दैट थिंग एंड हाउ डू वी गो लाइव विद दैट इन द मार्केट. तो बेसिकली वो सब देखता हूँ मैं, ओवरव्यू इन नटशेल. सो आप लोग सब जैसे तुम्हारा एक टीम भी होगा ना. हाँ, लाइक यू डोंट सी एवरीथिंग. आई डोंट सी एवरीथिंग. सो आई एम द लिंक बिटवीन द बिजनेस एंड द टेक्नोलॉजी टीम बेसिकली. सो मैं बिजनेस से समझता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ अगर उनको एनहेंसमेंट करना है कोई प्रोडक्ट में, उनको कुछ नया लेके आना है मार्केट में, तो अभी हमको उसको एक टेक पर्सपेक्टिव से चेक करना होता है कि क्या फिजिबिलिटी है एग्जिस्टिंग सिस्टम में, क्या है हमको एग्जिस्टिंग सिस्टम में इजी होने वाला है नहीं होने वाला है. अगर कुछ अगर टेक पर्सपेक्टिव से कुछ नया लेके आना है तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी है या नहीं, या फिर कुछ डेवलप करना होगा नेक्स्ट. तो अगर डेवलप करना है तो डू वी हैव अ वेंडर ऑन बोर्ड फॉर दैट और डू वी डू इट इन हाउस, क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज है, क्या हमारे पास वो एक्सपर्टीज है. तो ऑल दीज थिंग्स, यू नो, थिंग्स लाइक दैट एंड मेनी मोर थिंग्स. बट या इन अ नटशेल आई एम द लिंक बिटवीन द बिजनेस एंड द टेक टीम. ऐसा. एंड रितेश, सो मैं ERP के लिए काम कर रहा हूँ, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. तो एंड इट इज़ वन ऑफ अ नीश JD एडवर्ड्स के अंदर, उसमें काम करता हूँ. एंड आई ओनली वर्क फॉर US बेस्ड कंपनीज और UK बेस्ड कंपनीज. तो उनके लिए हम लोग उनका बैक एंड का फाइनेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट देखते हैं. उनको सपोर्ट कोई प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम लोग उनको सपोर्ट देते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होता है जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करके देते हैं उनके बिजनेस को अंडरस्टैंड करके. तो काइंड ऑफ अ फन काम है जो मुझे अच्छा लगता है करने को. लाइक मोस्टली जैसा मेरे को समझ में आया इसमें आपके वर्क डेफिनेशन में, सिमिलर काफ़ी चीज़ें हैं दोनों के जॉब में. यस एब्सोल्युटली. कंसल्टिंग इज सिमिलर. हां, दोनों सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फील्ड से काम करते हैं. लाइक तुम सॉफ्टवेयर वगैरह से डील करते हो, लाइक JD एडवर्ड्स. रिसर्च करना पड़ा था मेरे को. पूरा नीश है भाई, सॉफ्टवेयर है सर वो. सो जो 500 फॉर्च्यून कंपनीज होती है ना, उनको अपना बैकएंड संभालने के लिए ERP लगता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर. तो उनका मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, फाइनेंस, एवरीथिंग. देखा कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बड़ी कंपनीज के लिए. हाँ, एकदम सही बोला आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्यों? क्योंकि सी सेल्स ऑर्डर्स कैसे बन रहे हैं, उनके पास हाई एंड वेंडर्स होते हैं जिनको वो डायरेक्टली बड़ा बड़ा माल शिप करते हैं. तो टाइम पे पहुंचा कि नहीं, ये वो, तो ये सारा कुछ सेल्स मैनेज करते हैं. वो लोग कुछ परचेज करते हैं, हैवी मशीनरीज, कोई नया मशीनरी टेक्नोलॉजी, तो उसको लेके आना, फिक्स करना, उसका कॉस्ट वगैरह. फिर फाइनेंस साइड में उनका अकाउंट्स रिसीवेबल, पेएबल, बराबर पैसा आया कि नहीं, गया कि नहीं. जर्नल लेजर जिसके अंदर सारे उनके क्या बोलते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, उनकी बैलेंस शीट बनती है जिससे शेयर उनके अफेक्ट होते हैं डेली बेसिस पे. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी का, जिसके अंदर उनका सारा हार्ट, बेसिकली इट्स अ हार्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर. तो वैसा है काइंड ऑफ. तो ये काम में ऐसा नॉलेज इतना बढ़ाने के लिए कितना टाइम लगा? सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 6 years अभी. एंड नॉलेज एज इन की इनिशियली मैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में काम कर रहा था. नॉलेज बढ़ाने के लिए भाई एकदम से इनफॉर्मल हुई. क्या सीन है बताएगा? कुछ नहीं भाई, काम करते जाओ हो जाए. जैसे ट्रेनिंग करते जाओ अच्छे थोड़े थोड़े हो जाएंगे, वैसे काम करते जाओ अच्छे हो जाएंगे, वैसा सीन.
आदि का बहुत काम होने वाला है। रॉनिक एंड रितेश हमारे बीजीजे ग्रैपलिंग टीम के, फाइट टीम के दो लोग ऐसे लोग हैं ना जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दैट इज रॉन्ग, दैट इज लाइक ये बहुत गलत बात है। ये मतलब कट प्लीज, ये वाले को एडिट कर दो भाई, 50 रुपया इसको एडिट रह नहीं सकते। आई बिलीव कि अगर ये नहीं रहेगा तो मेरा ट्रेनिंग अच्छा हो जाएगा। आई बिलीव अगर ये नहीं रहेगा सबका अच्छा होगा। नो, बोथ ऑफ यू आर वेरी गुड। ठीक है, दोनों के साथ रोलिंग किया मैंने, वेरी टफ। एंड इतना काम तुम लोगों ने अपना जॉब डिस्क्राइब किया, एक टीम को, मैं दो दो टीम्स को मैनेज करना पड़ता है, कंपनीज का पूरा देखना पड़ता है, उसके बाद इतना जॉब में इतना मेंटली हेक्टिक होकर, एंड देन यू गाइस कम एंड ट्रेन, एंड नॉट जस्ट ट्रेन, यू परफॉर्म वेरी गुड, तो मैनेज करना कैसा रहता है? सो मेरे को ऐसा लगता है कि उधर का जो गुस्सा है ना वो यहाँ निकलता है, मेरा स्ट्रेस रिलीव होता है। मतलब ऑनेस्टली मैं अगर पूरा दिन मैंने बहुत काम किया है, मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, तो इधर आके एक एस्केप मिलता है कि यार कुछ अलग करने मिल रहा है, और यू नो माय माइंड भी डाइवर्ट होता है अगर फुल डे मैं वही काम कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर क्या बोलते हैं मैं ऐसा उसके अंदर ड्वेल हो रहा हूँ पूरा टाइम, और फिर मैं इधर आता हूँ और मैं थोड़ा रोल करता हूँ या ट्रेनिंग करता हूँ, तो मेरा माइंड ऑफ हो जाता है और मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे को नींद अच्छी आती है। I think he's right. Absolutely. जो escape का इसने बताया ना, that is so true. अगर यहाँ पे जब mat पे आते हैं ना, चाहे वो दिन कितना भी बुरा गया हो, you have peace. क्योंकि तुमने थोड़ा अपना जो मन को, you know, satisfy हो रहा है, वैसा काम कर लिया है। So that is the reason we do it. Simple as that. Apart from obviously BJJ का तो है ही बात बात की उसमें। देखो, as a hobbyist काफी लोग आते हैं अपने इधर BJJ grappling करने। But why you guys stand a little bit better than them? Because you are competing and winning. बेटर देन देम तो नहीं बोल सकते यार, क्योंकि हम जब लोग जब थाईलैंड गए थे ना, तो उधर दे वर सो गुड, लाइक पीपल आर देयर हु आर ट्रेनिंग ब्लैक बेल्ट्स है एंड दे हैव बीन ट्रेनिंग फॉर लाइक 10 इयर्स 12 इयर्स, तो उनके सामने गए ना तो फिर ऐसा लगा कि अरे यार कहां है कुछ। वही तो है ना, नॉट एवरीवन विल गो उधर उतने वहां तक थाईलैंड तक जस्ट फॉर ट्रेनिंग, एंड यू नो उसको इस नजरिए से देखें यार वो लोग इतना ऊपर है, हमको और पहुंचना पड़ेगा। नॉट एवरीवन, नो आई थिंक ऐसा नहीं, बट ये है कि कितना एफर्ट्स डाले हुए, दे ट्रेन 3 times a day, ठीक है, तो उतना डेडिकेशन अगर हम लोग को बोलेंगे तो मेरे से तो नहीं होएगा वो ऑनेस्टली, बट आई कैन बैलेंस किया, थोड़ा ऑफिस आ गए, थोड़ा ये हो गया, और सी इम्प्रूवमेंट ऐसा होता है कोच के ऊपर होता है, तो वी हैव अ गुड कोच, ठीक है, दूसरा थोड़ा बहुत डिसिप्लिन हो जाता है, वी कम लेट बट वी ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, वो एक चीज है का जॉब भी और ये भी है। आई थिंक मेनली इंटरेस्ट पे ही है पूरा। ट्रू, जितना अगर ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा यू विल स्टडी इट मोर, तुमने क्या गलतियां की। अगर एक पैसिव इंसान आता है जो सिर्फ आके रोल करता है, टेक्निक सीखता है और वो भूल जाता है, देन देयर इज नो पॉइंट फॉर इट। मतलब वो इंप्रूव होगा लेकिन बहुत धीरे इंप्रूव होगा। अगर तुमको फास्ट इंप्रूव होना है तो तुमको ऑब्वियसली यू हैव टू बी, यू नो, यू हैव टू बी एक्साइटेड बाय दैट थिंग, घर पे जाके यू हैव टू थिंक कि अरे यार आज मैंने क्या गलती किया एंड प्रोबेबली मैं क्या बेटर कर सकता था उसको। एक जन्म लगेगा व्हाइट बेल्ट लेने के लिए। तो ऐसा है, यू नो, जस्ट बिगनर्स हो गया। सो अपना स्ट्राइप्स का तुम लोगों का रितेजस फोर स्ट्राइप, रोनितस फोर स्ट्राइप, थोड़ी सर्दी है गाइस, टू बेयर विद इट। So, practicing a combat sport like Brazilian Jiu-Jitsu, जिनको नहीं पता कि submission grappling game है ये, so it's like a human chess book, right? समझना is fun also, and top में थोड़ा पहुँचना it requires your effort. So practicing BJJ grappling like Brazilian Jiu-Jitsu, इसका तुम लोगों पे क्या इम्पैक्ट हुआ? अपना जो ऐसे पुराना रोने पुराना रिटेंस का जो अभी है, तो क्या क्या इम्पैक्ट किया तुम्हारा BJJ ने लाइफ? सो मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरा कोई मेरे को नहीं पता था कि BJJ या फिर MMA या स्ट्राइकिंग कुछ होता है, मेरे लिए ऐसा था कि मारा मारी होता है, ठीक है,
एक दिन मैं आ रहा था तो मैं ये जिम में आया एंड लकीली मेरे को सर मिले, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तो मैंने पहले एक हफ्ता वो फंक्शनल ट्रेनिंग किया, कूदो जंप करो, और उसके बाद एक दिन सर ने मेरे को ऐसे बोला कि अरे आ जा मैट पे देख ले कि क्या होता है एक बेटर। और दैट डे आई फेल्ड कि नहीं यार ये कुछ अलग है एंड इट इज समथिंग डिफरेंट जिसमें मजा है। और फिर टिल दैट, और मैं ऐसा आदमी था ना भाई, मैं कोई जिम में एक महीने से ज्यादा नहीं टिका, जब आया तो पता चला देख के। और इसमें इसमें से ना यू डेवलप, मैं पहले आया था तो मैं थोड़ा सा मैं किसी से बात नहीं करता था, जिम में कोई नया बंदा आएगा तो एक महीना लगेगा, उसके बाद में उससे हाय बाय बोलूंगा उससे। तो वो चीज चेंज हुई कि मैं थोड़ा ओपन हो गया, और थोड़ा ज्यादा ओपन हो गया जिम में, उतना नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। अरे मुझे लगता है यार जो पर्सनालिटी डेवलप होती है यहाँ पे ऑन द मैट्स वो होती है कैरी फॉरवर्ड आगे। जो इट्स बेसिकली क्या है, अगर यहाँ पे आप रोल कर रहे हो किसी के साथ एंड somebody इज बीटिंग यू अप, डेफिनेटली somebody विल बीट यू अप, मतलब यू विल नेवर बी द बेस्ट इन द रूम। हमने सबमिट कर लिया किसी को, सर ने आके हम्बल कर लिया, तो द थिंग इज हाउ वी आर रिएक्टिंग टू इवन प्रॉब्लम्स इन द एवरीडे लाइफ, वो इजी हो जाता है। आई मीन थोड़ा ये बहुत थियोरेटिकल है बट इट्स एक्चुअली ट्रू। इफ यू गो टू सी यू हैव फेस्ड फेलियर एवरी डे, सो यू आर यू नो इजी टू फेस जो भी है, बाहर जो भी आता है देख लेंगे, द कॉन्फिडेंस इज टू हाई। वो मार्शल आर्ट्स और वो डिसिप्लिन जो होता है ना हम लोग का यहाँ पे, लाइक यू नो जो डिसिप्लिन भी जो कैरी करते हैं यहाँ पे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो भी फिर अपने नॉर्मल वर्क लाइफ में या फिर यू नो बाहर कुछ भी कर रहे हो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में जो भी है, दैट यू नो दैट ट्रांसलेट्स देयर। सो तो जब भी मैं सर के साथ भी पॉडकास्ट किया था चैतन्य सर के साथ, तो उसमें भी ये चीज़ आई कि लाइक सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स देख लो, एज अ हॉबीज बोल दो, एज अ एथलीट बोल दो, जो लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है थिंक ब्राज़ीलियन जू-जित्सू ग्रैपलिंग भी चीज़ें। हाँ यार, बिकॉज 15 to 10 years लगता है टू गेट टू ब्लैक बेल्ट, कराटे में जल्दी जल्दी हो जाता है यार। बाकी स्पोर्ट अगर आप देखोगे तो यू कैन अचीव सक्सेस लिटिल फास्टर या इजी, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स है जो मतलब जहाँ पे अथॉरिटीज है वहाँ पे लोग उतने नहीं है, जैसे मुंबई में देखा जाए तो हैमर थ्रो हो गया, डिस्कस हो गया, जैवलिन हो गया, उसके अंदर कोई है ही नहीं एथलीट, गिन चुन के 3-4 लोग रहेंगे, ठीक है। तो वो इंडियन जो पर्सपेक्टिव है ना कि स्पोर्ट्स में जाके क्या ही हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा आई थिंक लोगों को रोक के रखा है, वरना हर एक आदमी के पास कोई ना कोई टैलेंट तो होता है जो वो आउटकास्ट कर सकता है, उसके अंदर आगे जा सकता है। आई थिंक बीजेजे में ना और एक पॉइंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रॉबेबली कोई और स्पोर्ट में नहीं है, नॉट इवन कॉम्बैट स्पोर्ट, डू यू नो व्हाट इज दैट। बीजेजे में एक डिवीजन होता है एब्सोल्यूट का, फॉर पीपल हु डोंट नो, कॉम्पिटिशन में जैसे डिवीजन कॉल्ड एब्सोल्यूट, इसमें इट इज ओपन टू ऑल वेट्स। तो इसमें क्या होता है, जिजित्सु में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्मॉल गाय कैन बीट अ बिगर गाय, ठीक है, दैट इज मैजिक बेसिकली। इफ आई कैन बीट हिम फॉर एग्जाम्पल, दैट इज कुछ तो मैजिक है ना उसमें, लाइक कुछ तो आर्ट में कुछ है ना उसमें, एंड दैट्स व्हाई दे आल्सो हैव अ डिवीजन एब्सोल्यूट, जो कोई स्पोर्ट में नहीं है बाय द वे, आई डोंट थिंक सो किसी में है। सर है क्या किसी और में? नहीं ना, रेसलिंग में भी शायद सर नहीं होता एब्सोल्यूट डिवीजन, ओनली ग्रैपलिंग, सबमिशन ग्रैपलिंग में सर, मार्शल जिसे जूडो में है, जूडो इज द क्लोजेस्ट टू जिजित्सु, राइट? सो जिजित्सु हैज स्टार्टेड, आई थिंक जिजित्सु हैज स्टार्टेड फ्रॉम जूडो, आई थिंक ना सर, हां डायरेक्ट फ्रॉम जूडो ना, यस। लाइक मैं वो पॉडकास्ट सुन रहा था, पूरा तो नहीं सुना, उसमें किमुरा के बारे में बता रहा था, जापानीज जूडो प्रैक्टिशनर, यस। तो उसका स्टोरी कुछ ऐसा ही था, उसके एक स्कूल टीचर ने उसको धो दिया था, वो बेंच बेंच पे चढ़ के हल्ला कर रहा था, तो उसको उसको ऐसा गुस्सा आया अपने टीचर के ऊपर, ये बंदे को मारने का, मेरे को मैं कैसे मारूंगा, वो छोटा था, तो उसको पता चला जूडो के बारे में, आई डोंट नो लाइक पूरा राइट बता रहा हूँ नहीं कि नहीं मैं। देन उसने जूडो ज्वाइन किया अपने टीचर को मारने के लिए, क्यों? क्योंकि टीचर जूडो में ब्लैक वो था, बेल्ट था, ब्लैक बेल्ट था, लाइक फर्स्ट डैन था, सॉरी ब्लैक बेल्ट नहीं, फर्स्ट डैन था। तो किमुरा को लगा कि अभी मेरे को इसको मारना है तो एटलीस्ट फर्स्ट डैन या सेकंड डैन तो मेरे को बनना पड़ेगा। देन उसने प्रैक्टिस चालू की एंड देन उस स्पोर्ट ने उसका लाइफ इतना चेंज कर दिया कि वो उसी में आगे बढ़ा, लाइक ही वॉज द बेस्ट किमुरा। सो अपना ग्रैपलिंग में भी एक सबमिशन है किमुरा, उसके नाम वेरी फेमस, वेरी फेमस, माय फेवरेट। सर जूडो में भी जिजित्सु होता है ना, वो नीचे जाके जो करते हैं नेवासा, नेवासा 70% तो ग्रेसी फैमिली, सर ग्रेसी फैमिली ने सीखा था जापानीज जिजित्सु से एंड देन दे कन्वर्टेड दैट इनटू ब्राज़ीलियन जिजित्सु, छोड़ के आया था, हां हेलियो ग्रेसी, कार्लसन ग्रेसी, उन्होंने हायर किया,
And then उसने modify करके थोड़ा बहुत elements डाल दिए. Because of yes, jiu-jitsu. So jiu-jitsu के पीछे दोनों लोग Thailand जाके आए. Yes. रितेश जब हमारे साथ गया था, आई डोंट नो सबको पता होगा कि नहीं, जब हम लोग सब लोग लास्ट ईयर एक महीने के लिए थाईलैंड गए थे, रितेश एक हफ्ते के लिए, दो दिन या तीन दिन दिखा होगा मेरे को क्लास में, देन वो रौनित को लेके गया अभी थोड़े टाइम तो इस बार मैंने ट्राई किया कि मैं ट्रेनिंग करूँ, क्योंकि वो टाइगर मोहिता के अंदर स्ट्राइकिंग था और बहुत कुछ था, बीजेजे के एक दो क्लासेस थे और वो भी वो टाइप पे थे जो आप लोग को नहीं जमता, तो मैंने नहीं किया ट्रेनिंग. घूमते ऑब्वियसली. हाँ, बट इस बार कैसा था ना, ये बंदा था और मैं था, और इस बार थोड़ा सा यू नो यू फील बेटर. कोई कोई जगह पे जाके ऐसा लगता है कि अरे यार ये जगह इज समथिंग जिधर आप जाके इनमें ट्रेनिंग करोगे तो बेटर हो जाओ, तो वैसा जगह था. और दूसरा बहुत बड़ा मैट एरिया, लाइक इंडिया में इतना बड़ा मैट एरिया मैंने तो नहीं देखा, बहुत बड़ा मैट एरिया भाई. और वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं अलग अलग जिम से, पूरे फुकेट के जितने भी जिम से सैटरडे संडे को आते हैं, और अनलिमिटेड राउंड्स, आराम से आप रोलिंग करो, ट्रेनिंग करो. एक 150-140 केजीज के भी लोग आएंगे, रशियन एकदम हैवी बिल्ड 6.2, उसने तो मेरे को ऐसा अतरंगी सबमिशन मारा था, इसने फोटो डाला हुआ. अच्छा वही वाला था वो ऐसा करके मेरे इसका इंस्टाग्राम वो मिल गया था, मैं डाल दिया सिर्फ बस. ठीक है, तो हाईलाइट था ट्रिप का. और उधर तीन चार ही व्हाइट बेल्ट थे, बाकी ब्लू से आप एक ये अलग अलग एक्सपीरियंस था. दूसरा उधर मैं वेजिटेरियन आदमी, खाना ढूंढ रहा, सूखा चावल खा रहा हूँ, इसको कुछ आदमी देने के लिए तैयार भी था, बताए सूखा चावल. सूखा चावल खाएगा तू सही में? नहीं 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 दूंगा मैं, उसको दिया भी नहीं उसमें स्टार्टिंग में. बट यार लोग बहुत वेलकमिंग थे वहाँ पे, एक्चुअली लोग भी बहुत अच्छे थे वहाँ पे, वेरी वेलकमिंग क्राउड, और हाई लेवल गाइज विद नो नो ईगो, मतलब ठीक है यार आ रहे हो सीख रहे हो, अपस्किल तो होना ही है वहाँ पे बेसिकली, ऐसा बिकॉज यू आर रोलिंग सो विद सो मेनी बेटर गाइज एंड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है. और दूसरा मेरे को ऐसा लगता है ना, उधर एक फर्स्ट ऐसा कॉम्पिटिशन था ना जिस मैं पहले भी कम्पीट कर चुका हूँ, बट वो हम लोग आदत है ना इंडियन लोगों को देखने का, और मतलब अपने अपने ही लोगों के साथ फाइट करने का. बट इस बार जब हम लोग गए ना बाहर, एक भी इंडियन, यही था मैं था प्रतीक सर, तीन लोग इंडियन थे, बाकी सब क्या बोलते हैं कोई कोई कंट्री से आए, कोई कोई कंट्री से. और जब अपन अपोनेंट देखते उसका फ्लैग देखते और फिर उस ऐसा नहीं यार अपना ये जेनेटिक्स अच्छा नहीं रहेगा, ये सब फेक है ब्रो, ये सब मतलब खाली गलत थॉट्स है. तू जाएगा सेम वे वो लोग, ठीक है, मेड बी एनी पर्सन फ्रॉम अफ्रीका, मेड बी फ्रॉम इंग्लैंड, मेड बी फ्रॉम यूएस, कैसा भी बंदा रहे वो तुम्हारे जैसा ही ट्रेनिंग करे, जितना ज्यादा मैट टाइम जिसने दिया रहेगा ना वो उतना अच्छा रहेगा, दैट्स इट. ये टाइगर मोहिता में गया था, मैंने सर को भी बताया था भाई कि किकबॉक्सिंग क्लास था राफेल फिजी का, तो उसमें स्पारिंग था किकबॉक्सिंग, उसमें एक बंदा था, ठीक है, इंग्लैंड का था आई थिंक, तो वो बंदा किक बॉक्सिंग के लिए लाइक स्पारिंग के लिए बोला, तो मैं और वो गए, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरी हाइट का था वो, तो मेरे को लगा भाई रहेगा कोई अभी किक बॉक्सिंग में सब इधर, तो मेरे को बिगिनर ही मतलब वही लेवल के दिख रहे हैं जो मेरा है, ठीक है. सो मैं उसके साथ किक बॉक्सिंग किया, हार्ड स्पारिंग हुआ हम दोनों का, लाइट बोला था बट फुल हार्ड हुआ, एंड मैंने दो तीन बार उसको डोमिनेट भी किया और वो मेरे को डोमिनेट नहीं कर पाया स्ट्राइकिंग में, आई वाज कनेक्टिंग क्लीन. बाद में मेरे को पता चलता है जब भी मैं वापस आके देखा टाइगर मोहिता का वो पेज में, कि वो बंदा किसी इंग्लैंड के एक प्रमोशन का चैंपियन है, प्रो फाइटर. बोला भाई यार मैं प्रो फाइटर्स के साथ भी अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो अभी तो डाउट नहीं करने का, अपना भी लेवल है इधर पर. प्रो फाइटर के साथ नॉट ओनली प्रो फाइटर, एक चैंपियन का डिवीजन का, ऑब्वियसली मेरा एमेच्योर रिकॉर्ड इतना भी नहीं था, 14-4 एज वाली, एंड आई डिड वेरी गुड. ठीक है, तो मेरे को लगा कि भाई इधर जो अपन ट्रेनिंग कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, हाई लेवल, वी आर पुटिंग इन द वर्क, सो उसका रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, चाहे लोगों को दिखे या ना दिखे. सो तुम लोग का ऐसा वर्क लाइफ में भी होता होगा ना कि यू आर पुटिंग एफर्ट बट काफ़ी टाइम तक दिखता नहीं उसका रिजल्ट एफर्ट का, बट यू जस्ट कीप गोइंग, सो दैट माइंड सेट इज नेसेसरी वर्क लाइफ में. सो लाइक मार्शल आर्ट से तुम लोगों को उसमें हेल्प मिली या नहीं? यार देखा जाए तो एवरी डे जो हम लोग मार्शल आर्ट्स करते हैं वो एवरी डे हेल्प करते हैं, जैसे ऐसा नहीं होता कि हर दिन ऐसा अच्छा ही जाता है कि सब काम हो रहा है ये वो, कभी आपको गाली सुनना पड़ेगा, कभी क्या बोलते हैं कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मूड खराब कर देते हैं और मतलब नहीं अच्छा लगता उनसे बात कर, फिर भी क्या काम है तो बात करना पड़ता है. तो कुछ लोग हर इसमें होते हैं ना कि जिनको यार पसंद नहीं आता, देख के बंदा पता नहीं क्यों, दिक्कत नहीं है, नाम तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बहुत ऐसे तो आई बिलीव कि बहुत है
तो एवरी डे जो हम लोग इधर आते हैं ना वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं, वो पुशिंग माइंडसेट, वो कुछ ना कुछ एक दिन तो अचीव हो जाएगा। एंड ब्रो मैं तुमको ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्टेट तक खेलूंगा, ठीक है, इंटरनेशनल तो सपना भी नहीं आएगा उसका कभी जिंदगी में, मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक इसके पहले क्रिसमस डेकोरेशन, स्टार डेकोरेशन, सर्टिफिकेट्स, तो इट हैज बीन समथिंग जो मैंने जिंदगी में होता ना कि कुछ पाया, अगर कल को ही मैं मर जाऊँ तो मैंने कल को इतना तो है कि यार आई हैव फॉट समथिंग, या मैंने कुछ किया, अचीव किया, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट थोड़ा सा आपको एक वो पुश देने के लिए, और दूसरा कि लोग भी अप्रिशिएट करते जब उनको पता चलता है कि तुमने ये किया, क्योंकि दे आर ऑर्डिनरी पीपल, उनको ऐसा लगता है कि ये करना टफ है, बट इट्स नॉट टफ, आई वॉज ऑल्सो एन ऑर्डिनरी पर्सन, बस आपको वो स्टेप लेना है आगे और फिर आप लोग भी खराब करोगे जैसे हमने किया। आई थिंक इज राइट, जो भी है हेल्प्स अस पुश यार द ऑफिस, सुपर एज दैट, रेप्स ही है, मतलब यहाँ भी रेप्स है वहाँ भी रेप्स है, ट्रू ट्रू, सिंपल एज दैट, जो चीज में आपने अच्छे से किया है, यू रेप वन टेक्निक, यू कैन पुट इन दैट पोजीशन, ना सेम चीज वहाँ पे भी, एक पार्ट एप्लीकेशन का उसमें अच्छा जाते हो, एक पार्ट जर्नी का उसमें अच्छा जाते हो, जैसे अभी रितेश ने बोला कि लोग देखते हैं उनको लगता है कि यार हम नहीं कर पा रहे, मतलब टफ चीज़ होगी, तो आई थिंक ऐसा दोनों एस्पेक्ट में रहता है, जैसे मैं फुल टाइम मार्शल आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, दिस इज़ माय लाइक प्रोफेशन, सो जब भी मैं देखता हूँ ना कि यार ये लोग काम कर रहे हैं इतना, बिकॉज व्हेन आई सी वर्क, ठीक है, ये सेल्स टीम मैनेजमेंट, लगता है यार बहुत बड़ी बात होगी करने के लिए, लोग इतना कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से वो पर्सपेक्टिव रहता है, जैसे लोग नॉर्मल लोगों को लगता है ना, ट्रू ट्रू ट्रू, आई थिंक दोनों तरफ से वो पर्सपेक्टिव रहता है, उनको लगता है कि हमारे लिए डिफिकल्ट इसलिए अच्छा होगा, उनको लगता है कि वो हमारे लिए डिफिकल्ट इसलिए अच्छा होगा। लेट्स गो बैक टू थाईलैंड। थाईलैंड में तो सबसे पहले ये बंदा गया था, ठीक है, तो एक हफ्ता ये था उधर, और फिर उसके बाद मैं गया, ठीक है, तो हम लोग के पास कुछ 16 डेज थे, तो हम लोग रफली 2 वीक्स था, तो हम लोग ने एनरोल किया, तो डेली उधर का ट्रेनिंग का शेड्यूल ऐसा था कि सुबह 7 बजे क्लास रहता था, 7-9 बजे, तो मैं वो वाला क्लास तो नहीं जा पाता था बिकॉज ऑफ आलस, ठीक है, उसके बाद 1:30 बिकॉज ऑफ आलस, मतलब 9 बजे वाला क्लास इसने नहीं, एक बार किया है सर, प्रतीक सर के आने के बाद, हाँ दो बार भाई, टू बी ऑनेस्ट, दो बार, ठीक है, और दो बार, और दूसरा की 11 बजे रहता था वो वाला करते थे, और शाम वाला क्लास रहता था, तो अच्छा खासा रेस्ट पीरियड भी मिल जाता था भाई, जाके शांति से सो जाते थे, खाना ढूंढते थे हम लोग, ठीक है, और मेरा आधी जिंदगी उसके अंदर इंडियन खाना ढूंढने में चली गई, ठीक है, बहुत खर्चे हो गए भाई इंडियन खाने में। प्रतीक सर आने के बाद थोड़ा अच्छा हुआ, प्रतीक सर आने के बाद बस यही हुआ कि प्रतीक सर की वजह से हम लोग बाहर निकलने लगे, ठीक है, नहीं तो ये अपना इसका जॉब चालू था, ठीक है, उधर ये बंदा उधर भाई मंडे टू ट्यूजडे लैपटॉप में, मैं बोला भाई एटलीस्ट हम लोग क्या बोलते ट्यूजडे काम नहीं करते थे, ठीक है, और मंडे टू फ्राइडे काम करता था, और उसके सैटरडे संडे ऑफकोर्स सर आदमी को थोड़ा रेस्ट तो चाहिए, तो ये रेस्ट करता था, और प्रतीक सर आए तो उनके साथ फिर मैं बाइक पे घूमने लग गया इधर, क्योंकि उधर फुकेट इज नोन फॉर इधर जो बीचेस है इतने अच्छे, बीचेस एंड बीचेस नहीं, उधर एक्चुअली हम लोग एक जगह गए थे, लेक था उधर, और लेक के ही बाजू में नायहान बीच नाम नहीं याद, बट भाई इतना अच्छा, और भाई हम लोग के साथ अनलक क्या हुआ पता है, हम लोग पहुंचे उधर, हम लोग उधर पहुंचे और बारिश चालू हो गई, और इतना मस्त था, एंटर किए एंड लिटरली 2 मिनट में वापस आ गए वहां से, 2 मिनट भी नहीं था हम लोग वहां पे, जस्ट लाइक ऑन ब्यूटीफुल बीच, वेरी ब्यूटीफुल। मैं भी थाईलैंड गया था, लेकिन मेरे को ऐसा बाहर भी जाने का मेरे को भी मन नहीं करता था, ट्रेनिंग करो थोड़ा उधर ही आसपास चिल करो यार, वो जो एरिया है उस एरिया के बारे में भी ना सर पहले गए थे, तो सर ने पूरा बताया था हमको कि रावई साइड ऐसा है, साउथ साइड में जा सर गए थे, सब पास में ही है, वो हमारे घर से 15 मिनट था, नायहान बीच, नायहान बीच, मतलब ब्यूटीफुल बीच है यार, बहुत सुंदर बीच है, एंड सब आसपास में ही था, तो मतलब ऐसा कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं थी वहाँ पे कि भाई आज जाएंगे हम और आज एक बीच देखेंगे, आज शायद ये बिग बुद्धा वॉज बाजू में, जस्ट अरे 15 मिनट था भाई बर्थडे, मतलब घर के पीछे ही था, बिग बुद्धा तो हम लोग भी रहते थे, हम लोग जो एंट्री करते है ना बिग बुद्धा के लिए, हम लोग वहाँ पे रहते थे, उसने चैटिंग
वो मेरे को पूछता है व्हाट डू योर फ्रेंड डू, व्हाट डू योर फ्रेंड डू, तो मैं बोला आईटी में हूं, ठीक है। फिर इसको उस बंदे ने बोला कि मेरा स्कैन करके व्हाट्सएप ले लो, इससे हो ही नहीं रहा वो काम। फिर वो इसको ताना मारता है कि कैसा आईटी में है, मैं जल्दी बता, मैं बोला नंबर देना भाई मेरे को जाने का है, काम करने का है। बोलता यूज क्या है, यूज क्या, ठीक है भाई मेरे को नहीं सही मिल रहा है, नंबर दे दे भाई अभी। ये बंदा हम लोग ने नया होटल ढूंढा उसके बाद, तो नए होटल में जाके सामान छोड़ दिया हमने एंड मैं वापस गया था, मैं आई थिंक उसको से होटल में था, पिछले वाले में था, आई वाज टेकिंग सम अदर सामान, इसने जाके पेमेंट करके वापस आया शाम को, ऐसा कुछ तो हुआ था, पहले वो गया था बेसिकली, मेरा कॉल था, हाँ मेरा कुछ तो ऑफिस का कॉल था, तो मैं रह गया था फॉर ऐसे 5-6 घंटे और। तो ये बंदा जाके वहाँ पे पासपोर्ट सबमिट किया एज आई डी प्रूफ ऑब्वियसली, अब वापस रूम पे आया, ठीक है। और अब ये डेट है बेसिकली अराउंड 4th या 5th August, क्योंकि मैं गया था 29 जुलाई के आसपास, 28-29 जुलाई, 4th August को आता है। रिटर्न जर्नी हमारा है 21st August, ठीक है। ये आके बोलता है भाई तेरा रौनक तेरा वीजा कब तक है, मैं बोला है भाई 21 तारीख तक है ना, एक महीने का वीजा है। बोलते जरा वीजा जरा पासपोर्ट देख, पासपोर्ट देखा 12th August लास्ट डेट है, 15 डेज का दे रखा है उसने, हमने तो अज्यूम किया 1 month, मेरी तो लग गई वहां पे, क्योंकि एक्सटेंशन भी ओनली 1 week का है, तो 12+7 स्टिल 7-19 तक आता है। तो हमने भाई हम वीजा ऑफिस गए, वहां पे फॉर्म मांगा, उसको बोला, बोलता नहीं दूंगा, वीजा वीजा ऑफिस वाले को अलग से इस पे गुस्सा आया था। नो no! मैं बोला उसको 7 days का एक्सटेंशन ले ले, फिर फाइन ले ले, एज पर द रूल्स फाइन लेना उनको है, मैं बोला दे दूंगा फाइन, बोलता नहीं, यू नो योर चांसेस टू कम बैक टू थाईलैंड इज गोइंग टू बी गॉन फॉरएवर, ये वो। मैं बोला भाई तो करना क्या है वो बता दे। तो फिर एक एजेंट से बात किया, उसने बोला वीजा रन करना पड़ेगा आपको, तो मलेशिया जाके मैं आया एक दिन के लिए। हां तो पर मुझे रात को 5 बजे हम लोग निकले स्कूटी पे, ठीक है, और वो एक एंड पे और एयरपोर्ट एक एंड 50 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और रात को, ठीक है, थाईलैंड हो या दुनिया की कोई भी जगह, 4 बजे के बाद लोग सोने जाते हैं, और मैं चला रहा हूँ, और उधर कैसे है ना, बीच में थोड़ा सा शहर है, फिर बीच में थोड़ा जंगल है, फिर बीच में थोड़ा शहर है, फिर बीच में थोड़ा जंगल, और मैं जाते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आते वक्त मैंने ना गलत रास्ता लेके ना बराबर वो क्या बोलते हैं वो जो बीच का पार्ट है ना जिधर वो पूरा फॉरेस्ट है, वो एरिया से आ रहा हूँ, और अलग एक्सपीरियंस। लेकिन तू रास्ता अलग क्यों लिया था उस टाइम में, तू कहीं तो तूने कहीं स्टॉप किया था ना बीच में। हाँ मैं देखा था खाने के लिए किधर कुछ लोग आए थे, पटाल में खाने गया था। सुबह 6 बजे कौन सा खुला रहेगा भाई, जो भी है भाई तू क्या क्यों फिर वहां पे खाने के लिए, इंडियन खाना मिलता है, मिला खाना फिर, हाँ सुबह को 6 बजे में खाना, फिर सूखा चावल, सूखा चावल भाई। थाईलैंड में तो रितेश रात को ही जाता है, हां हां फॉर ऑब्वियस रीजंस, सही बात है एकदम, मैं लगा राजा हूं भाई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट एक्सपीरियंस जिसके अंदर फाइट जब अब्रॉड करने मिला तो अलग लगा, मजा है। आई थिंक वेरी वेल फाइट के अलावा भी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वहां पे फुली एयर कंडीशन था, 2 मैट थे उधर तो पैरेलल चल रहे हैं, यहां पे प्रो डिवीजन भी चालू हो गया था बाद में लेटर, यहां पे वेट क्लास चल रहा है, दूसरा वेट क्लास यहां चल रहा है, फटाफट फटाफट क्विकली टीवी पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ऑटोमेटेड है सब कुछ, ऑटोमेटेड है, कुछ भी वर्बली बोल नहीं रहा है कोई, वो कहीं तो बाहर घूम रहे, ठीक है, और उसको ढूंढने के लिए 6 लोग उसको ढूंढते ऐसा सब कर, उधर लोग बराबर अपना देख के बराबर पहुंच के मैट के बाहर खड़े, मेरा फाइट अभी टीम सीरीज वगैरह। अरे वो प्रतीक कौन है, दो आलो का हाथ शेट्टी, प्रशांत के पीछे पड़ जाता है क्लास खत्म, फिर उधर एक तो ये था, दूसरा ना उधर जिस जिम में हम लोग थे ना पीजीए वाले,
तो फुकेट ग्रैपलिंग अकेडमी था और इट वॉज ग्रेट जिम. उधर दो लोग थे, एक हेड कोच था अपना, कोच बेन, उसको हम लोग प्यार से को बेन बुलाते. ठीक है, तो अच्छा लगता है. वो बंदा इज ब्लैक बेल्ट एंड इज ग्रेट. और उसने अभी मतलब वो हम लोग जब गए थे तो वो वियतनाम गया था कोई फाइट के लिए, और उसने कौन सा सबमिशन मारा था, ट्विस्टर, ट्विस्टर बट स्कॉटिश ट्विस्टर, स्कॉटिश ट्विस्टर मारा था, जिसको मैंने पहली बार सुना. अरे सर उसका उनका फाइट था ना, मैं जब पहुंचा उसके एक दिन पहले, ही वाज इन ऑस्ट्रेलिया, ट्विस्टर मारा है उसका, है वीडियो अपलोड किया था उसने, स्कॉटिश ट्विस्टर. ये पहली बार तो मैंने नाम सुना कि ऐसा कुछ होता है. देख के भी समझा नहीं मेरे को कहां पे सर कहां लगा था, स्पाइन पे आ भी रहा था कि नहीं उसके. और दूसरा उधर का जो बंदा था वो था अपना वेटरन निकोलस, वेटरन निकोलाय रशिया से था वो 10th प्लैनेट ट्रांसपोर्टर. थाईलैंड उधर भी टाइगर में रहता है, वो असिस्टेंट कोच था वो. हां हां, तो पहले वो वहां दबदबा उन्होंने अपना एस्टैब्लिश किया, और उसके बाद फिर उनको एक नए जिम में एज अ हेड कोच लिया गया बीजीजे का. छावा काफी, और वो बंदा 21 है, ठीक है, 21 और ब्राउन बेल्ट है वो, 21 एज का है और ब्राउन बेल्ट है वो. ठीक है, और वो ऐसा रोलिंग करता है ना कि आपको एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगेगा कि यार शर्म आ रहा है मेरे को, मैंने 4 साल क्या किया. एफर्टलेसली भाई, वो सांस तक नहीं लेता रोलिंग के टाइम पर. सर नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है, ऐसे ही हम लोग को घुमा के दो सबमिशन उसने मार दिया है. तो वो ऐसी जगह पे ट्रेनिंग कर रहा है ना जहाँ डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं. True, absolutely. और दूसरा high level सकते हैं. Very high. दूसरा वो रशिया से स्टार्ट किया था 10 प्लैनेट से, तो उसने स्टार्ट ही 10 प्लैनेट से किया जिधर उसको ब्लू बेल्ट मिला. तो काफी अच्छा है. आई थिंक सर को भी 10 प्लैनेट के साथ बात करके इंडिया में एक और ब्रांच खोलना चाहिए, अल्टीमेट फिटनेस एंड 10 प्लैनेट वाला. 10 प्लैनेट वो दुबई का. हाँ, जेक टैप. जेक टैप ग्रेट गाय यार. उसने मेरे को वो पता है वो लेग हुक करके बनी रोल, बैरन ब्लू, बैरन ब्लू नाम में मैं अच्छा नहीं हूँ. और काम बनी सीरीज का ही पार्ट था. सो प्रतीक सर भी आप लोगों के साथ गए थे. हाँ, प्रतीक सर ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता वहाँ पे इंटरनेशनल. एंड प्रतीक सर हमारे जिम पे ब्लू बेल्ट है, लाइक रोज कलर बेल्ट आफ्टर सर. उनका भी गेम थाईलैंड जाके काफी इम्प्रूव हुआ है. अभी तक रोलिंग तो नहीं किया मैंने उनके साथ. दूसरा मैंने एक चीज नोटिस किया, जितना हम लोग नहीं कर रहे थे ना, मतलब कि ये क्या होता है ऐसे, इसको क्या पकड़ू, ये पोजिशन से क्या आएगा, प्रतीक सर वो निकोलस को पकड़ के भाई ये कौन सा कैसा जाएगा, ये उसको प्रॉपरली हर एक सबमिशन से क्या एस्केप है, क्या उस पर क्या बोलते हैं हम लोग दूसरा काउंटर लगा सकते हैं, वो सारी चीजें वो पूछते थे उससे, लिखते थे. ठीक है, तो दैट इज समथिंग दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल, जो हम लोग के अंदर भी नहीं है. एंड वी थिंक यार कल को हम लोगों को भी वो सब चीजें करनी चाहिए. आई थिंक अलग अलग टाइप का ट्रेनिंग मेथड रहता है. कुछ लोग रहते हैं ना, जैसे सर भी बोलते हैं कि लोग देख के जल्दी सीख जाते हैं, मेंटल रेप्स. करेक्ट, मेंटल रेप्स. You see and at monthly see monthly do both. Absolutely. You see and you just flow. वो बहुत important भी है यार mental. But कुछ लोग रहते हैं. Just random thoughts आते हैं अगर आप mental reps कर रहे हो घर पे बैठ के या कहीं पे भी office में यार randomly आ रहे हैं यार ये position से मैंने ये कर लिया होता तो एक कोई Instagram पे video आ गया कोई technique आ रहे I could have tried this कुछ चलते रहता दिमाग में फिर mat में एक दिन वो काम आ गया तो I think that way it's very important sir सही मतलब बहुत काम मतलब मेरे को तो बहुत help हुआ है. I think लेकिन ये mentality ही है जो like obviously जो फुल प्रोफेशनली कंप्लीट कर रहे हैं पूरा दे उनका बात हटा देते हैं. एंड देन जो हॉबीस्ट हैं जो लोग बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं एंड दे आर कलर बेल्ट एंड दे आर डूइंग गुड आप लोग भी वैसे. सो ये जो मेंटेलिटी रहती है अभी जो आपने बोला यही है कि नॉर्मल हॉबीस्ट को और बाकी लोगों को अलग क्योंकि वो लोग आते हैं लाइक दे सी एज अ फिटनेस दैट इज आल्सो गुड. सी फिटनेस तो वो मिलता है उसके साथ. ठीक है, और मेरे को ऐसा लगता है प्रतीक सर या रोनित मतलब इन लोगों को मैंने देखा तो दे एक्चुअली लव दिस. मतलब कुछ भी रहेगा उस तूने ये फाइट देखा क्या एंड दे एक्चुअली सी द फाइट और वो लोग क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म में डिस्कस करते एवरीडे आके लाइक आफ्टर ट्रेनिंग ये लोग मैट पे थोड़ा टाइम कोई एक पर्टिकुलर ड्रिल करते तो दैट शोज कि यार बंदा एफर्ट डाल रहा है. सर फाइनल आ गया भाई ऑन दैट नोट बी टीम वर्सेस 10th प्लैनेट का क्विंटेट आ गया सर पक्का लिया है सर बी टीम गिर गया ना वो YouTube पे आ गया फुल वीडियो फुल मैच दो लोग को फिनिश
अंडर हिज लेग से टू होल्ड मारा उसने, वो जो आपने बताया था सर, पता है कि वो इधर से भी एक टू होल्ड रहता है, मैट पे दिखाया था, दो खड़े खड़े मारा सर, बहुत मस्त था सर, देखना आप, I think leg lock has changed BJJ game यार. Absolutely bro. हाँ. Completely. हाँ यार ये proper proper मतलब मैं first day गया हूँ, मैं first day गया और उधर ना ये drill था, क्या था? Honey hole का entry था एक. Honey hole का entry और हम लोग leg locks नहीं करते. Invert. और मेरे को थोड़ा upper body games ज़्यादा better लगता है, but इसके साथ ना मेरे को ऐसा लगा नहीं भाई leg lock भी equally important है. फिर मेरे को पता चला इन्वर्जन प्रैक्टिस करना है मेरे को ये वो. अब मेरे को ऐसा लगता है वही चीज़ है जो मैंने प्रैक्टिस की ना, अब मेरे को गार्ड रिटेंशन में हेल्प करता है. ठीक है, और अभी कैसे ना कोई गार्ड पास कर रहे तो मेरा पैर चला जाता है, वो सांप वाला वैन जो टेक्निक करता, तो वो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार गार्ड रिटेंशन इज एज इक्वल. सो व्हाई डोंट यू गाइस एंजॉय, एंजॉय ऑब्वियसली तुम लोग इधर भी करते हो, बट लाइक नॉर्मल वर्किंग पीपल चिल 9 to 5 फ्राइडे वीकेंड पार्टी क्लब्स ऑब्वियसली. रोनित तो कभी कभी अंकल के इधर चला जाता है तो रोनित का एक बहाना है जनरल, उसको कहीं नहीं आना है तो वो बोलेगा कि अंकल का बर्थडे. तो इस साल उसने 506 अंकल्स का बर्थडे मना लिया और 300 बाकी है ना दिसंबर तक, ये सिर्फ ऑफ डेज पे रहता है जब क्लास नहीं है, मैं क्लास में आता हूं रेगुलर. सो रोनित इज अ बिग यू नो लेडीज लव हिम एंड एवरीथिंग, तो रोनित के पास बहुत काम रहता है. तारीफ कर रहा जी लगभग रखी देखो कैमरा में बेइज्जती करना अच्छा नहीं लग रहा नो आई सी कि नॉर्मल लोगों के लिए वही रहता है मूड से सब टेंशन निकालने का. हाँ, as you said ना, हमारा ये escape route है, just मतलब that as simple as that, हमारा escape ये, that's it, and सब भूल जाते हैं इसके बाद. So what do you guys think कि अगर तुम लोग grappling नहीं कर रहे हो तो हमारा life कैसा होता है, ये point पे? वही 9 to 6, उसके बाद में जाके खंबा लेके घर पे. So ironic, मेरे को ऐसा लगता कि अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मेरा family business है, तो उसमें मेरे को जाना पड़ता और फिर क्या बोलते मैं भी same क्या बोलते हैं eventually कहीं ना कहीं रोनित के साथ ही मिलता. But the thing is Arish Manoj harsh truth of India guys. ठीक है, but मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार मैंने पहले से ही मतलब मेरे को ऐसा था कि यार फिटनेस में कुछ अगर लॉन्ग टर्म करेंगे तो जब मैंने ये ज्वाइन किया तब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार दिस विल हेल्प मी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और दूसरा ये होता है ना कि इन जनरल यू स्टे हेल्दी, ठीक है, बॉडी फ्लेक्सीबल है योगा करने की जरूरत में. ठीक है, दूसरा आप लोगों को उठा के पटक रहे हो तो स्ट्रेंथ भी गेन हो जा रहा है और लॉन्ग टर्म आपका कार्डियो बढ़ रहा है, तो एक स्पोर्ट के अंदर तीनों चीजें मिल रही, विच इज वेरी रेयर एंड अगेन यू एंजॉय. किसको अच्छा नहीं लगता कि आके दो लोगों को मैंने ऐसे एकदम से धूल चटा दी और उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ आज तो अच्छा गया था, तो ईगो भी बूस्ट मिलता है कि कभी खराब दिन है तो गए तो बूस्ट में लेकिन हंबल भी होते हैं थोड़ा. हां मतलब फिर ऐसा होता है कि सम गुड गाइस कमिंग एंड यू हंबल फिट टीम बैलेंस है लोगों के साथ अच्छा, कि फिर चौथा वाला ऐसा आम बार मार के चला गया फिर ऐसा लगता है यार बैक टू नॉर्मल. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम और इंप्रूव कर. लेकिन सर ने पता ना एक स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था, जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना इधर जब भी 2 साल पहले प्योर जुजित्सु के लिए, सर ने ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर के सेशन में सर ने बताया था कि लॉन्जेविटी का बात है, कौन अगर करना है और अगर ये यू नो इफ यू लव दिस आर्ट तो ये तो करना ही है, इसमें कोई एंड नहीं है कि अपन को 6 साल करके कोर्स खत्म हो गया है, ब्लू बेल्ट है, पर्पल बेल्ट है, नहीं मतलब इवन ब्लैक के बाद भी देयर इज सो मच टू डू, सो मच लाइक ये तो मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. बट अभी सर ही बोले थे उस दिन वी वर डिस्कसिंग सर देयर आर ब्लैक बेल्ट्स एंड देयर आर ब्लैक बेल्ट्स जो रोगन ने बोला था एक बार, सो व्हाटएवर लाइक यू नो इट्स क्रेजी मतलब इट्स काइंड ऑफ इनफाइनाइट ओनली, करना ही करना है. 60 साल के लोग भी करते हैं, हमने देखा भी है कितने लोगों को देखा है 60-50 पे लोग करते हैं, 60 पे करते हैं एंड दे जस्ट अनएंडिंग है. आई थिंक वो ही मेंटल स्टेट है अपन सबका शायद, जो हम या लव ट्रू लवर्स या अभी नितेश ने बात किया मैरिज का. सो रोनित कब करेगा, लेट्स वो पहले वही नहीं नहीं पहले मेरे आते हैं बात आ रहा हूं मैं. नितेश तेरा एज कितना है? 23. So like, शादी का कभी मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, बट द थिंग इज कि घर पे ऐसा सिचुएशन क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ और दूसरा मम्मी का हेल्थ ठीक नहीं रहता बिकॉज शी इज अ उसको मालूम उनको मल्टीपल डिजीज है तो फिर कैसा है थे? वो चाहती है कि तुम जल्दी कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा. बट द थिंग इज कि यार आई बिलीव मेरा भी लाइफ है और मेरे को डिसीजन लेना चाहिए, बट घर वालों के लिए देर आर सेक्रीफाइसेज जो आदमी को करने पड़ते हैं. ठीक है, हम लोग
पार्टी नहीं करते, ठीक है, हम लोग को घूमने नहीं मिलता, देर आर टाइम्स इधर हम लोगों को फाइट है तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, छुट्टी डाल के ट्रैवल कर रहे, जो हम लोग का अर्न लीव है, छुट्टी वेट कट कर रहे, वेट कट में जैसे वो यश था उसने किया भाई, मतलब उससे एक्सपेक्टेड नहीं था, नहीं मतलब ऐसा नहीं, कमेंडेबल है यार, उससे हम लोग बट यस शोन की वो कर सकते हैं, उसने अच्छा किया, द थिंग इज कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जनरली यू नो we have to do something for our family aur ye sari cheeze to yeah. I think kabhi karna hai mere isse koi date to nahi likha hai but I think ek do saal mein ho jayega I don't know me jo bhi isne bola mere liye valid nahi to mere ko koi load nahi hai life mein ghar wale bhi koi load de denge I think community pe bhi depend hai to ye christian ghar se aata hai to in log ke isme to like be careful free to और मैं यूपी से आता तो उधर कैसे आना, देख उनका ऐसा है कि लड़का जैसे कमाने लग गया ना शादी करके आई डोंट नो उनको ऐसा लगता है कि कुछ खराब करेगा बाहर, आई डोंट नो देयर इज समथिंग आउट देयर जो हम लोगों को नहीं बताया गया बट हमारे साथ हो रहा है, रौनक को पता है, रोनित का ऐसा है कि ही इज लाइक स्टड ना, तो उसके पास सब कुछ है, तो लाइक ब्रो मैं कभी भी शादी करूंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बट वो शादी में नहीं बुला रहे, शादी में ऐसे नहीं रहे, ऐसा कुछ रोनित इज लाइक बाय द वे आई टू टेल यू रोनित अरे भाई सच्चे प्यार में बहुत विश्वास रखता है, सच्चे प्यार में विश्वास नहीं रखता भाई, रखता है कि निकल गया, डिस्कस कब किया हमने सच्चे प्यार पे डिस्कस, नहीं बट द थिंग इज रोनित एक मतलब ही ऑलवेज टेल्स मी कि भाई मैं जब अगर कल को किसी लड़की से शादी करूंगा तो यार आई वांट कि वो सच्ची हो और मैं उसके साथ पूरा लाइफ निकाल, तेरे को कौन चाहिए फिर, बाकी लोगों उसके अलावा कौन ऑप्शन दे पास भाई मतलब तेरा तो छोड़ दे तो कार्तिक कहां थे हम लोग, वी वर डिस्कसिंग ऑन इट की शादी लव स्टोरी, अरे भाई लव स्टोरी तो नहीं बताने, लेट्स नॉट, हो गया शादी तो नहीं है ना अभी, मतलब अभी तो सबसे पहले आई थिंक रितेश की होने वाली है ब्रो, गारंटीड यार, हम सब सर के भी पहले नहीं वो उनके इधर भी अरेंज मैरिजेस जल्दी करने का रिवाज है, और दूसरा पट्टी को आई थिंक सम पॉइंट ऑफ टाइम पे दहेज देना पड़ेगा टू गेट मैरिड, आई थिंक पट्टी इज प्रशांत झा हमारी टीम का फाइटर है वो, एंड उसका इम्प्रूवमेंट ग्रो इज वेरी गुड, मैंने देखा कि वो इस बात तो सही है, बीजेजे में स्ट्राइकिंग तो ठीक है पहले करता था, स्ट्राइकिंग उसने इम्प्रूव कर ही रहा था ऑब्वियसली, बट ग्रैपलिंग में उसने देखा ना कि यार मेरे को एक दो सबमिशन पड़ रहे हैं यार, फिर वो अंदर से एक ईगो रहता है ना बंदे का विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ही स्टार्टेड ट्रेनिंग बीजेजे में एंड अभी उसको सबमिशन मारना इज वेरी टफ, और बहुत लाइक आई थिंक जिम में भी ऐसे लोग है ना जो बहुत इंस्पिरेशन देते, जैसे आदित्य है, ठीक है आप हो टू सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक बंदा जो छोड़ के आ रहा है अपने शहर को अपने गाँव को गाँव से आके और इधर चार साल अकेले रहना, इट्स वेरी टफ भाई, मतलब आई डोंट बिलीव मैं 18 दिन था तो मेरे को ऐसा लगा वापस इंडिया आओ भाई, और वो भी हम लोग मतलब यार नहीं सीरियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स टफ यार, बट और इंस्पिरेशन यू हैव टू डू इट, इनका वर्क एथिक तो यार वही तो मेन पॉइंट वो भी है कि यहां पे आके जब वर्क एथिक देखते हैं, दीस गाइस ट्रेन टू टाइम्स अ डे बाय द वे, टू टाइम्स कभी-कभी इवन थ्री टाइम्स, एंड दैट इज मतलब नेक्स्ट टू बॉर्डरलाइन, कांट इवन इमेजिन हाउ टायरिंग दैट इज टू द बॉडी, बट तीन बार ट्रेन करना इज जस्ट क्रेजी, मॉर्निंग इवनिंग एंड देन यू हैव योर आफ्टरनून सेशंस टू बी वेट ट्रेनिंग वगैरह, आई मीन हमारा तो वंस अ डे होता है आफ्टर वर्क एट द मोस्ट, बट यू गाइस आर ट्रेनिंग थ्री टाइम्स अ वीक थ्री अ डे एंड दैट्स जस्ट कमेंडेबल, बहुत ही आई थिंक इंस्पिरेशनल, नॉर्मल वर्किंग फोर्स जो रहती है ना विच ऑल्सो डू मार्शल आर्ट, उनसे ज़्यादा तो मैं डिफर नहीं बोलूँगा बस थोड़ा डिफर रहता है, लाइक यू गाइस ऑल्सो इज उधर भी देखना, नॉट जस्ट देखना वहाँ भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, पैसे दे रहा है और फिर आपके हॉबी में भी परफॉर्म करना आपको, इट्स वेरी टफ, सो इंस्पिरेशन आई थिंक सब लोग का भाई, जैसे तुम लोगों ने बोला एक दूसरे से देख के ही सीखते हैं, ट्रू भाई ट्रू, एंड मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि जिस जगह पे जेलेसी फैक्टर नहीं होता ना वहाँ पे
एनवायरनमेंट ऐसा रहता है दैट एनीवन हु ट्रेन्स देयर ही विल ग्रो. मैं सिर्फ स्पेसिफिक ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं ऑब्वियसली एज अ फाइटर. ट्राई किया था तो उनके जिम्स में वो यूनिटी नहीं है जो अपने जिम में लाइक वी आर लाइक कोई नहीं है ना. तो आई कैन कॉल अप एनी ऑफ द जिम मेंबर और लाइक ब्रो हैंग आउट करते चल हम लोग चलते. तो दैट इज लाइक हैविंग अ ग्रुप जो ब्रदरहुड लाइक यू हैव अ होल हुड टू चिल विद एंड गो आउट विद. और जब भी आपको जैसे घूमना हो महीने में एक आठ बार जो टाइम मिल जाता है सबको nice point, जिम में सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग. आई थिंक मार्शल आर्ट से जो जुड़ जाता है ना उसका वर्क सर्कल अपने आप चेंज हो जाता है चाहे वो वर्किंग लाइफ में हो चाहे सिर्फ मार्शल आर्ट से. लाइक हमको लगता है कि हम अपने बंदों के साथ ही हैंग आउट करते हैं व्हिच इज बेटर. मेंटालिटी पे भी मैटर करता है ना. सबका हसल मेंटालिटी है विनिंग मेंटालिटी है तो यू डोंट हैव पीपल जो कल ही अरे कुछ नहीं करना है ऐसे लोग है ही नहीं. यू सेड ना वन डे कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ the five people you hang out with. True. Actually जो उसने बोला ना अभी जो दूसरे जिम में गया था तो मैं भी इसके पहले I was into striking वगैरह तो I was in a gym जहाँ पे hobbies pure hobbies आते थे खाली. But उस जिम में जो culture था competing का नहीं था. There were good trainers वगैरह but competing culture नहीं था वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं था. So competing का वो angle ही नहीं था हमारे में कि तुम जाके compete कर रहे हो ना. Competition तो कितना help करता है आपको पता ही है कि upskilling में. तो जब यहाँ पे आया तो देखा तो everybody is competing almost like there's a fighter badge obviously dedicated but sir is motivating everybody yaar chahe aapka first month ho ya second month ho ya sixth month ho you have to enter the cage fight and see whatever happens jo bhi hai yaar. To wo ek difference maine bahut bada difference dikha tha yahan pe ki the entire mentality of everybody in the gym is pushed you know by sir ki tumko jana hai bhai compete karna hai jaisa bhi just go and compete and win. But I think ek cheez maine dekhi hai I don't know कितना सही या गलत बट जो जैसे नॉर्मल कोई इंसान रहता है उसके मन में स्टार्टिंग से मन में या उसका हॉबी या हैबिट ही ऐसा रहता है दैट ही वांट्स टू डू अ लिटिल बेटर वही लोग जाके दौड़ते हैं. जैसे तुमने बोला ना कि उधर भी गए इधर भी आया वहाँ भी लोग थे बट देर इज समथिंग विच इज इनसाइड अ पर्सन कि यार ठीक है अच्छा तो बट आई नीड अ बेटर और वो भी स्ट्राइकिंग बैकग्राउंड से आके बीजेजे में इतना अच्छा करना इट्स एक्चुअली कमेंडेबल क्योंकि आज तक मेरे को स्ट्राइकिंग पसंद नहीं आया अपना. नो ऑफेंस गाइस मेरा तो ऐसा भी आर्ट है यार कम ऑन आर्ट है बट आई एम नॉट लाइक आई थिंक आई एम मोर ओवर अ ग्रैपलर बोथ ऑफ अस. हां ऐसा पर्सनालिटी रहता है जैसे मुझे तो ट्रेनिंग में प्रेफर स्ट्राइकिंग मेरा मुझे लगता है मेरा ग्रैपलिंग से ज्यादा स्ट्राइकिंग होता है बट फाइट में ग्रैपलिंग ही होता है स्ट्राइक तो ऐसा लगता है खाने के लिए बिग पर्सनल गाइस. अभी तो आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग टू मच पंचेस डैमेज इज नॉट गुड. बीजेजे की एक बात ये भी अच्छी है कि यू डोंट गेट दैट डैमेज भी नहीं होता. हां ठीक है स्ट्राइकिंग इज नॉट टू मच देखा कंकशन का चांसेस बहुत रहता है. आई थिंक एमएमए के लिए इन जनरल ना यू हैव टू डेडिकेट योर एंटायर डे फॉर इट. आई डोंट थिंक एमएमए पार्ट टाइम हो पाएगा किसी नहीं आई डोंट थिंक सो मे बी आई मतलब जो बंदा अगर इट इज टफ इट इज टफ इट्स टफ इट्स वेरी टफ इट्स वेरी टफ क्योंकि एमएमए में कंडीशनिंग करना है एमएमए में मल्टीपल यू नो डिसिप्लिंस है मास्टर करना है स्टडी करना है. आई थिंक सर है ना मे बी आई एम बट देयर आर स्टिल एक्सेप्शंस इट्स स्टिल पॉसिबल बिकॉज़ इट्स अगेन एज आई सेड इज़ द बॉडी. आई थिंक इफ यू मैनेज इट लाइक सी साल में हर फाइट नहीं बट कुछ फाइट्स अगर इफ यू प्ले तो दो महीना जैसे बेस्ट एग्जांपल आई हैव डन आई हैव वेकेशन प्लान करते तो वेकेशंस प्लान करते तो हां बेस्ट एग्जांपल इज सर वो डिमिट्रियस जॉनसन जो चैंपियन बनने तक ही वाज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड देन जब ही यूएफसी चैंपियन बना उसके बाद उसने फिर ये फुल टाइम डेडिकेट किया मार्शल आर्ट. क्रेजी आई थिंक बट एनवायरनमेंट आल्सो अफेक्ट्स ट्रेनिंग इन यूएस. इट्स नॉट एन एक्सक्यूज बट जो रियलिटी है हम बाहर जाते हैं एक महीने के लिए थाईलैंड जाते हैं हम दो हफ्ते के लिए आप लोग गए राइट दो हफ्ते में यू गाइस लर्न अ लॉट जस्ट टू वीक्स. इमेजिन यू आर बॉर्न इन दैट एनवायरनमेंट एंड बचपन से वो कर रहे हो इट हेल्प्स रियली. अरे वो फॉर एग्जांपल वो था ना अपना जो निकोलाय है 22 इयर्स ओल्ड ही इज अ he must be at least doing this since the age of 5 or 6 easily. मेरे को तो लग रहा है I think उसके पहले कर रहा होगा but I'm just saying 6 for the safe side but तो उसके अभी वो मसल मेमोरी में ही आ गया है कि मेरे को क्या यू नो कौन से साइड से कौन से एस्केप करना है कौन सा. इमेजिन हम तो अभी मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ तो उसका तो कितना कुछ उसको कितने उसके सिचुएशन मिल गए होंगे पीएनसी हो गया होगा उस कॉम्बिनेशन उसको मालूम पड़ गए होंगे क्योंकि वो रोल भी ऐसे ही करता है हमारे साथ. ही इज लाइक वो यहाँ देख रहा है वो वहाँ देख रहा है वो हाफ बिल्कुल नहीं रहा है
वो एक हमारे पकड़ लिया, हमने एस्केप कर लिया और ट्रायंगल पकड़ लिया, दो लोग से बात करेगा रशियन में, टाइम पास करेगा, बढ़िया, बिल्कुल भी नहीं गैस आउट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, एंड ही इज डूइंग दिस टू गुड गाइस, हां लाइक फॉरगेट अस, ही इज डूइंग इट टू रियली गुड गाइस, वही तो लेवल पहुंच पाते हैं ना इससे, बिकॉज़ ग्रैपलिंग से यू रीच टू दैट लेवल कि यू आर काम इन अ टफ सिचुएशन, आप सिचुएशन ऐसे टफ है लाइक ऑलमोस्ट इंजरियस है, थ्रेटनिंग है, बट यू आर स्टिल काम, वो बीजेजे हेल्प्स अ लॉट। और दूसरा सर ने मेरे को एक बात बताया था कि एक ब्लैक बेल्ट रहेगा ना वो हमारे जैसा ही बंदा रहेगा, ऑर्डिनरी रहेगा, वो भी लेजी रहेगा, लेट उठता रहेगा, वो भी ऐसा क्या बोलते छोटे मोटे झगड़ों पे गुस्सा हो जाता रहेगा, बट द टाइम ही कम्स ऑन मैट, जिस टाइम पे वो मैट में आता है वो किलर मशीन रहता है और वो परफेक्ट होता है, सो दैट्स लाइक अ ब्लैक बेल्ट जो सर ने मेरे को बताया था, क्वालिटी होता है कि वो एक जगह पे तो किलर है, और दूसरा कभी कभी क्या होता है कि लाइक वर्क लाइफ में अगर देखा जाए तो कभी वहाँ बुरा दिन चल रहा है और यहाँ पे आके आपने तीन चार सबमिशन मार दिए तो यू फील गुड कि हाँ यार चलो सुबह का टाइम खराब गया था शाम का अच्छा हो गया, ठीक है कभी इधर खराब गया और ऑफिस में अच्छा हो गया तो वाइस ये मारपीट खिलाता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक कि यू आल्सो वर्क एंड यू आल्सो प्रैक्टिस अ मार्शल आर्ट, सो आप नॉर्मल लोगों को क्या बोलोगे कि शुड दे डू इट एंड व्हाई? See, I think at the end of the day, it's personal choice. but recommendation मैं हमेशा मतलब मेरे को देख के मेरे छोटे भाई हो गए या जो लोग अभी कॉलेज में they get inspired, ठीक है, but I think कि सब लोगों को कुछ ना कुछ स्पोर्ट तो करना चाहिए, मेड बी जिम, मेड बी मैराथन रनिंग, मेड बी साइकिलिंग, कुछ ना कुछ एक ऐसा अपनी जिंदगी में पार्ट रखो जो आपको इवेंचुअली इट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन। सो देर आर पीपल जो बोलते हैं कि आपका चार डोमेन अच्छा होना चाहिए, एक आपका वर्क लाइफ अच्छा होना चाहिए, एक आपके पास कोई हॉबी होना चाहिए, एक आप म्यूजिक से कनेक्टेड होने चाहिए एंड स्पिरिचुअल साइड फॉर सम पार्ट ऑफ थिंग्स ऑल्सो। तो आई थिंक हॉबी होना इनिशियली इट्स अ वेरी गुड थिंग जो आपका क्या बोलते हैं ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहे। आई थिंक एक फिजिकल हॉबी नीडेड फॉर एनीबॉडी, बी इट इवन जिमिंग, लाइक जिम गाइस आल्सो जो That's what most of the people lack, I think. They don't physical activity include नहीं करते, that's why their lifestyle is दिखने में तो अच्छा लगता है but it's not mentally good. हाँ मतलब physical activity वो भी कोई भी physical sport जो है ultimately आपका mind को tough करता है, वो mind tough करने के लिए ही है, मतलब it's not also body तो बनता है वो एक उसका bonus है, byproduct है, उसका कोई इतना है नहीं, focus उस पर करना ही नहीं है। और इवेंचुअली आई थिंक वो लाइफ में कुछ टाइम जो आप अपने साथ स्पेंड करते हो एंड यू डू समथिंग दैट यू लव, ठीक है आप ऑफिस जा रहे हो क्योंकि आपको नीड है पैसे का और आपको काम करना है और आपका प्रोफेशन है, ठीक है, बट एक जगह जहाँ पे यू जस्ट यू नो गिव टाइम टू व्हाट यू लव और आप अपनी हॉबीज को फॉलो करते हो, दैट इज समथिंग अमेजिंग दैट यू डू एंड गिव योर सेल्फ। ये लिख के आया था, चले दो सर। रोनी तो अपने आपको दिलासा देता है, लिखा हुआ आंसर है, गारंटीड, मैं बताता हूँ लिखा हुआ आंसर है, जलता है भाई, ये क्या आंसर कैसा है भाई, भाई की सी आई थिंक रोनी के अंदर से मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये भी कट होने वाला है पता है ना। कोई बात नहीं भाई, हेटर्स विल ऑलवेज हेट यू, हेटर्स वाला हेट, हेटर्स गुड, लेट्स कम बैक टू टॉपिक relationships अरे ये क्या है, sorry cut, ये भी cut, cut cut, okay so let's come to the topic, personal life में भी personal life, like relationship status कैसा है, थाईलैंड के बाद की पहले गलत आदमी से गलत question पूछ रहे हो, ये आप किसी अच्छे आदमी से पूछो, चलो इसका ही video लो, अच्छा आदमी तू है ना बोलना अभी, नहीं नहीं मतलब ये सब रोनित दादी की, मेरे को ऐसा लगता है कि लव लाइफ में सबसे ज्यादा जिसने देखा है चीजें वो रोनित है, लाइक ही हैज बीन थ्रू फेजेस और यू नो रोनित में हैव स्टेजेस, झूठ चीजें बता रहे हैं आपने सर, देखो जो वो एक मतलब एक हमारे जिम में एक ग्रुप है फेसबुक ग्रुप जिसको हर आदमी को ज्वाइन करना चाहिए जो ब्रेकअप से गुजर रहा हो, इट्स राधे भैया ओन्ड बाय रोनित बरमोगा, ठीक है, तो इसके अंदर ही has a group जिसके अंदर ये motivate करता है लोगों को कि आप अगर breakup से जा रहे हो तो क्या करना चाहिए and everything that for male health, male mental health के लिए is not part of that group, वो नहीं है उसका part because he can never go through a breakup, I know bro, नहीं
ऐसा कुछ कोई ग्रुप नहीं है, सर देखो सर क्या क्या बोल रहे हैं। बट ये पार्ट तो बहुत छोटा होने वाला है बिकॉज आंसर इसका वही है, तो सब सिंगल है सब, मतलब मैं भी और ये भी। और हाँ तो फिर हैव अ लाइफ गाइस, दैट्स इट, हैव अ लाइफ। ठीक है, so it was very good having you guys our conversation. True यार, अच्छा लगा। like generally conversation तो करते ही हैं। thanks for having us Karthik भाई। हाँ वही, मतलब रोनित ने तो कभी expect भी नहीं किया था। रोनित was excited। रोनित बोले वो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उसको छोड़ा मैं तो बोलता है bro I'm very keen, looking forward यार एकदम से। अगर जो रोगन podcast का prep हो गया ना अभी भाई, हाँ तो वो उसको पता है कि क्या बोलने और खराबी करने वाला है रोनित। बट द थिंग इज देखो एक्चुअली प्लान तो ये हुआ है ना, मेरे को सोलो था, हम लोग दोनों का ही था, फिर कार्तिक ने मतलब जस्ट बैलेंस इट, मतलब लेट्स बैलेंस द गुड विद द, तो फिर ऑफ बैलेंस हो गया, ऑफ बैलेंस, थोड़ा ऑफ बैलेंस ज्यादा लग गया वेट वहां पे, पर ठीक है। वाज अ नाइस वेट चैंपियनशिप। थैंक यू सो मच यार कार्तिक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, कार्तिक भाई काफी अच्छा लगा यार। एंड गाइस थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब टू चैनल, या सब्सक्राइब टू कार्तिक दुबे, पीस आउट, पीस आउट गाइस, पीस आउट।